तो बेटा लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोलाइसिस फिनोमिना कि जब किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओगे तो कैथोड या एनोड पे कोई मेटेरियल डिपॉजिट हो जाएगा। वो कितना डिपॉजिट हो जाएगा उसको एक्सपेरिमेंटली स्टडी किया था माइकल फेराडे ने। तो उसी के रिलेटेड हम ला पढ़ेंगे, यहाँ पे दो ला है, माइकल फेराडे जो साइंटिस्ट उसने दो ला दिए हैं इसी चीज़ को स्टडी करने के लिए, फेराडे फर्स्ट ला एंड फेराडे सेकेंड ला। तो फेराडे फर्स्ट लॉ हम पहले डिस्कस करेंगे। ये फेराडे फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तो कैथोड या एनोड पे जो मेटल डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि इसके अंदर से आपने कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास कराई है, यानी कि वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू सॉल्यूशन। वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो फेराडे फर्स्ट लॉ क्या कहता बेटा कि वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू दिस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड इन टू क्यू, और जेड यहाँ पे क्या है, इट इज प्रोपोर्शनलिटी ऑफ कॉन्स्टेंट, और W क्या है, W इज वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, एंड Q क्या है यहाँ पे, जो आप इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, और W यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड, एंड Z इज हेयर इज कॉन्स्टेंट फॉर दिस प्रोपोर्शनलिटी। तो Z क्या रहेगा यहाँ पे, वट इज जेड, डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड इन टू क्यू, क्यू रिप्रेजेंट चार्ज इन कुलाम। तो जेड क्या है यहाँ पे, जेड है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, जेड इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। देखो अगर इलेक्ट्रिसिटी जो आप पास करवा रहे हो सोल्यूशन में से, क्यू इज द इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू दिस सोल्यूशन, अगर ये एक कुलाम हो जाए, इफ द इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज वन कुलाम, या हम ये भी कह सकते हैं क्यू इज इक्वल टू आई इन टू टी, आई इज द करंट इन एम्पियर एंड टी इज टाइम इन सेकेंड। अगर करंट कितना हो जाए एक एम्पियर और टाइम कितना हो एक सेकेंड, तो एक एम्पियर करंट जब एक सेकेंड के लिए पास कराओगे तो डैट इज इक्वल टू वन कुलाम ऑफ चार्ज। तो अगर आप इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में से एक कुलाम चार्ज पास करवाओ तो W किसके इक्वल है, WZ के इक्वल है। तो अब आप इसको डिफाइन कर सकते हो, तो व्हाट इज Z, Z इज वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड व्हेन वन कुलाम ऑफ चार्ज इज पास थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो अब यहाँ से हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को अब हम डिफाइन कर सकते हैं कि वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड व्हेन वन कुलाम ऑफ चार्ज इज पासिंग थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डेट इज इक्वल टू जेड। तो जेड क्या है बेटा, वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड या लिबरेटेड व्हेन वन कुलाम ऑफ चार्ज इज पासिंग थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन,
और दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, क्या है, वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज पासिंग थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। या हम ये भी कह सकते हैं कि जब किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर से 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड के लिए पास कराया जाए तो कैथोड या एनोड पे जो सब्सटेंस डिपॉजिट होता है उसकी अमाउंट जो होती है वो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड्स व्हेन 1 एम्पियर करंट इज पास फॉर 1 सेकंड, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा फैराडे का फर्स्ट लॉ है। उसके बाद है फैराडे सेकंड लॉ। फैराडे सेकंड लॉ में कंसेप्ट यूज कर रखा है इक्विवेलेंट मास का, किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास। तो सेकंड है उसके बाद फैराडे सेकंड लॉ, फैराडे सेकंड लॉ। और फैराडे सेकंड लॉ क्या कहता है, सपोज आपके पास ये 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, देयर आर 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, और इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आपने डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट यूज किए हैं। सपोज एक आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, एक आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है सपोज सिल्वर नाइट्रेट का, 2 इलेक्ट्रोड यहाँ यूज करी हैं आपने और इनको आगे बैटरी से आपने कनेक्ट कर दिया। देर आर 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। अब फैराडे सेकंड लॉ क्या कहता है कि अगर आपने 2 या 2 से ज़्यादा अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, इफ़ देर आर डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, अगर डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में से सेम अमाउंट की इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओगे तो इलेक्ट्रोड्स जो हैं आपकी हैं कैथोड या एनोड, इन पे जो मटेरियल डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसी भी एलिमेंट या किसी भी सब्सटेंस का जो इक्विवेलेंट मास रहेगा। तो कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, फैराडे सेकंड लॉ क्या कहता है कि इफ सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पासिंग थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, which is connected in series, if same amount of electricity is passing through electrolytic solution which is connected in series, then amount of substance deposited is directly proportional to equivalent mass of any substance. किसी भी substance का जो equivalent mass रहेगा उस पर depend करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि suppose यहाँ copper sulphate है तो यहाँ cathode पर copper deposit हो जाएगा, silver nitrate है suppose यहाँ पर सिल्वर आपका डिपॉजिट हो जाएगा। तो आप देखोगे कॉपर कितना डिपॉजिट होगा या सिल्वर कितना डिपॉजिट होगा वो डिपेंड करेगा कॉपर और सिल्वर का इक्विवेलेंट मास कितना है, यानी कि हम ये कह सकते हैं इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड बाय वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड इन दीज़ 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, दैट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर। तो बेटा कॉपर कितना डिपॉजिट होगा, वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड वो डिपेंड करेगा कॉपर का इक्विवेलेंट मास कितना है, और सिल्वर कितना डिपॉजिट होगा वो डिपेंड करेगा सिल्वर का इक्विवेलेंट मास कितना है। फैराडे सेकंड लॉ क्या कहता है, एक बार दोबारा देखेंगे कि अगर डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, 2 हैं 3 हैं 4 हैं, अगर ये सीरीज में कनेक्ट हैं और सेम क्वांटिटी की आपने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई है
तो इलेक्ट्रोड्स पे जो मेटल डिपॉजिट होगा वो डिपेंड करेगा सॉल्यूशन में जो आपने सब्सटेंस लिए हैं उन एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास कितना है। तो दिस इज अवर फैराडे सेकंड लॉ। तो ये आपने जैसे कॉपर सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट का यहाँ पे एग्जांपल लिया है, तो मैं कह रहा हूँ कि वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड बाय वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड, तो ये डिपेंड करेगा इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास कॉपर का कितना है बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर। ये हमारा फैराडे का सेकंड लॉ है। तो फैराडे फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ हमारा हो गया। अब इन्हीं से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स हम पढ़ेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जब आपने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, फैराडे फर्स्ट लॉ ये कहता है कि वेट जो डिपॉजिट होगा वो डिपेंड करेगा कितना आपने चार्ज पास कराया है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में से। सेकंड लॉ ये कहता है कि अगर डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में से सेम क्वांटिटी की इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तो जो इलेक्ट्रोड्स पे मेटल डिपॉजिट होगा वो डिपेंड करेगा इक्विवेलेंट मास के ऊपर। अब देखो कुछ रिजल्ट्स यहाँ से हमारे निकल के सामने आएंगे। जैसे कुछ एग्जांपल लेके हम चलते हैं। जैसे Na+ आपके पास कोई आयन है और इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कराई आपने, Na का एक Na पे एक प्लस चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन लेके न्यूट्रलाइज हो गया, एक Na+ आयन एक इलेक्ट्रॉन लेके न्यूट्रलाइज हो गया। जैसे दूसरा एग्जांपल यहाँ मैंने लिया है मैग्नीशियम 2+ प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम, यानी कि अगर एक मैग्नीशियम का एटम डिपॉजिट होगा कैथोड पे तो उसके लिए दो इलेक्ट्रॉन जरूरत पड़ेंगे हमारे, देर आर टू इलेक्ट्रॉन्स विच इज रिक्वायर्ड। एल्यूमिनियम में देखो एक एल्यूमिनियम का एटम डिपॉजिट होने के लिए तीन इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। अब हम इसको मोल से रिलेट करते हैं कि अगर मेरे पास इफ इट इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट वन मोल ऑफ सोडियम, एक मोल सोडियम डिपॉजिट करने के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पड़ेंगे, एक मोल। अब मैग्नीशियम के केस में देखेंगे अगर एक एक मोल मैग्नीशियम आपको डिपॉजिट करना है तो कितने मोल इलेक्ट्रॉन पास करने पड़ेंगे आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में से, दो मोल। एल्यूमिनियम को देखोगे अगर आपको एल्यूमिनियम एक मोल डिपॉजिट करना है तो इसमें से कितने मोल इलेक्ट्रॉन आपको पास करने पड़ेंगे, तीन मोल। यानी कि कंक्लूजन हमारा ये है कि किसी भी मेटल आयन के ऊपर n प्लस चार्ज रहेगा तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास कराने से m मेटल आपका डिपॉजिट हो गया। किसी भी मेटल पे n पॉजिटिव चार्ज है, n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास कराने से एक मोल हमारा कोई भी मेटल डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पे। तो कंक्लूजन ये है बेटा, n नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इट विल डिपॉजिट वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। कि जैसे एल्यूमिनियम है 27 ग्राम जो कि एक मोल है, इफ यू हैव टू डिपॉजिट 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम देन थ्री मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड, थ्री मोल। यहाँ पे आप देखोगे कि अगर 24 ग्राम आपको मैग्नीशियम डिपॉजिट करना है तो दो मोल इलेक्ट्रॉन आपको पास करवाने पड़ेंगे, और सोडियम जो इसका एटॉमिक मास कितना है 23 ग्राम अगर आपको सोडियम डिपॉजिट करना है कैथोड पे तो हमें इसमें से एक मोल इलेक्ट्रॉन पास करवाने पड़ेंगे। और एक मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज रहेगा वो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, कितना, वन फैराडे, जिसकी कितनी वैल्यू रहेगी 96550, इतना कूलाम चार्ज पास कराना पड़ेगा आपको। यानी कि अगर आप जब सपोज वी हैव टू डिपॉजिट Na तो आपको एक फैराडे चार्ज पास करवाने से 23 ग्राम सोडियम डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पे। ऐसे ही मैग्नीशियम के केस में देखोगे, मैग्नीशियम के केस में आपको दो फैराडे चार्ज पास करवाना पड़ेगा यानी कि 2 × 96550, तो ये 24 ग्राम मैग्नीशियम हमारा डिपॉजिट करेगा। ऐसे ही आप एल्यूमिनियम के केस में देखो, तीन फैराडे आपको इसमें से चार्ज पास कराना पड़ेगा यानी कि 3 × 96550, इतना चार्ज पास करवाने से 27 ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट हो जाएगा। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पास थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इट विल डिपॉजिट वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, ये कंक्लूजन है हमारा। अब इसी चीज को हम इक्विवेलेंट मास के टर्म में देखेंगे जो कि फैराडे सेकंड लॉ में हमने पढ़ा है। अब इक्विवेलेंट मास अगर किसी भी सब्सटेंस का आपको निकालना है, किसी भी एलिमेंट का आपको इक्विवेलेंट मास निकालना है, तो हम फार्मूला पहले पढ़ के आए हैं लोअर क्लासेस में, व्हाट इज इक्विवेलेंट मास। किसी भी एलिमेंट का अगर
इक्विवेलेंट मास आपको निकालना है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? एटॉमिक मास बाय वैलेंसी, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास कितना रहेगा और उसकी वैलेंसी क्या रहेगी। एग्जांपल लेके चलते हैं, एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट मास कितना रहेगा? एटॉमिक मास एल्यूमिनियम का होता है 27 और वैलेंसी होती है 3, तो 9 आ गया। 9 क्या है इसका? इक्विवेलेंट मास। अब देखेंगे मैग्नीशियम है, जैसे मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना रहेगा? 24। वैलेंसी कितनी होती है मैग्नीशियम की? 2। तो इसका कितना आया इक्विवेलेंट मास? 12। इसका क्या है बेटा? इक्विवेलेंट मास। Na है, जैसे Na का इक्विवेलेंट मास आप देखो, एटॉमिक मास इसका 23 है, 23/1 दैट इज इक्वल टू 23, तो 23 इसका क्या है? इक्विवेलेंट मास। तो यहां से अब हम देखेंगे कि जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम अगर आपको 27 ग्राम डिपॉजिट किया तो 3 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करवानी पड़ी थी, और अगर आपको 9 ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट करना है कैथोड पे बायपासिंग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर से जब इलेक्ट्रिसिटी आपने पास करवाई तो 9 ग्राम आपका एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा। ऐसे ही मैग्नीशियम के केस में 12 ग्राम आपका अगर मैग्नीशियम डिपॉजिट होता है जो कि उसका इक्विवेलेंट मास है, ऐसे ही Na के केस में देखोगे 23 इसका क्या है? इक्विवेलेंट मास है। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकल के आता है आप देखोगे कि जैसे एल्यूमिनियम के केस में आप देखो, एल्यूमिनियम के केस में आप देखोगे कि आपका 3 फेराडे चार्ज आप पास करवा रहे हो तो तब आपका मेटल कितना डिपॉजिट होगा? 27 ग्राम। और अगर आप 1 फेराडे चार्ज पास करवाते हो तो कितना मेटल डिपॉजिट होगा? 9 ग्राम, क्योंकि 9 ग्राम एल्यूमिनियम का क्या है? इक्विवेलेंट मास है। ऐसे ही आप देखो मैग्नीशियम के केस में, मैग्नीशियम के केस में 2 फेराडे अगर चार्ज पास करवाते हो तो मैग्नीशियम कितना डिपॉजिट होगा? 24 ग्राम। और अगर 1 फेराडे चार्ज पास कराओगे तो मेटल कितना डिपॉजिट होगा? 12 ग्राम, जो कि उसका इक्विवेलेंट मास है। तो अब कंक्लूजन निकल के देखो यहाँ पे क्या आता है, 1 फेराडे चार्ज पास करवाने से 9 ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट होता है जो कि क्या है? इसका इक्विवेलेंट मास है। ऐसे ही 1 फेराडे चार्ज पास करवाने से 12 ग्राम मैग्नीशियम डिपॉजिट होता है जो कि इसका इक्विवेलेंट मास है। तो बेटा कंक्लूजन हमारा निकल के ये आता है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर से जब आप 1 फेराडे चार्ज पास कराओगे तो किसी भी इलेक्ट्रोड पे जो मटेरियल डिपॉजिट होता है वो उसके इक्विवेलेंट मास के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आप इसको नोट करोगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 1 फेराडे ऑफ चार्ज ऑलवेज डिपॉजिट एनी सब्सटेंस विच इज इक्वल टू इट्स इक्विवेलेंट मास। ये कंक्लूजन है इस पॉइंट का, क्योंकि सेकंड लॉ हमने इक्विवेलेंट मास के बेस पे पढ़ा है कि 1 फेराडे चार्ज ऑलवेज कितना डिपॉजिट करेगा कोई सब्सटेंस? जो उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास रहेगा। ये कंक्लूजन है बेटा। अब आप देखोगे कि मैंने आपको बताया है 1 फेराडे कितना, जो कि इक्विवेलेंट मास है, 1 फेराडे में कितना चार्ज है? 96550। इतना कूलम चार्ज कितना डिपॉजिट करेगा जो किसी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास रहेगा? तो 1 फेराडे जो चार्ज है, या ये कह सकते हैं कि 96550 जो कि 1 फेराडे है, 1 फेराडे ये इतना कूलम चार्ज कितना डिपॉजिट करेगा जो किसी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास रहेगा? तो 1 कूलम चार्ज कितना पास करेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 1 कूलम चार्ज कितना डिपॉजिट करेगा किसी सब्सटेंस का जो इक्विवेलेंट मास रहेगा? डिवाइडेड बाय 96550। एंड व्हाट इज 1 कूलम? 1 कूलम चार्ज जितना मटेरियल डिपॉजिट करता है वो किसके इक्वल होता है? वो हम पहले पढ़ के आए हैं फैराडे के फर्स्ट लॉ में, वो जेड के इक्वल होता है बेटा। और जेड क्या होता है? जेड है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। वो उतनी अमाउंट होती है जब किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर से, हम किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर से 1 कूलम चार्ज पास करवाएंगे तो जो मेटल डिपॉजिट होता है वो जेड के इक्वल होता है। और किसी भी सब्सटेंस का अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट निकालना है
तो आप किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास को एक फेराडे से डिवाइड कर देंगे तो वो उसका जेड आ जाएगा। जैसे कि एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का अगर आपको जेड निकालना है, सपोज एल्यूमिनियम का आपको जेड निकालना है, इफ़ यू हैव टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट फॉर एल्यूमिनियम, तो आप क्या करोगे, एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट मास कितना है, 9 है, डिवाइड करो आप इसको किससे, 96550 से, तो ये वेट आ जाएगा एल्यूमिनियम का जो एक कूलम चार्ज पास करवाने से कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा। और अगर किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास आपको निकालना है तो वो भी यहां से निकाल सकते हैं, जेड इंटू 96550। ये भी हमारा एक कंक्लूजन है, रिजल्ट आ गया कि जेड निकालना है किसी भी एलिमेंट का तो इक्विवेलेंट मास बाय 1 फेराडे। और अगर आपको किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास निकालना है तो जेड इंटू 1 फेराडे, एंड व्हाट इज जेड, ये तो उतना वेट डिपॉजिट हुआ है कैथोड या एनोड पे, या कोई सब्सटेंस लिबरेट हुआ है जब एक कूलाम चार्ज आपने पास करवाया है, 1 × 96550। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि नोट में लिखा है कि एक फेराडे हमेशा चार्ज कितना डिपॉजिट करता है, वो उस एलिमेंट के इक्विवेलेंट मास के इक्वल होता है, जो कि यहाँ पे लिखा है। किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास कितना, जेड इंटू 96550। तो दो ये रिजल्ट आपके यहाँ सामने निकल के आए हैं, किसी भी एलिमेंट का जेड निकालना है इक्विवेलेंट मास बाय 96550, अगर किसी एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास निकालना है तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इनटू 1 फेराडे चार्ज। तो दो हमारे रिजल्ट सामने आए हैं। अब इन सब को मिला के हम यहाँ पे एक मैं फार्मूला आपको बता रहा हूँ, जिससे हम बहुत सारे न्यूमेरिकल जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, सारे न्यूमेरिकल आपके यहाँ से सोल्व हो जाएंगे। हमने फेराडे के फर्स्ट लॉ में डिस्कस किया है कि वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड दैट इज इक्वल टू जेड इनटू क्यू। जेड यहाँ क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, डब्ल्यू क्या है, वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, और क्यों क्या है, चार्ज इन कूलम्ब विच इज पासिंग थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब जेड किसके इक्वल होता है, जेड होता है इक्विवेलेंट मास बाय 96550। ये जेड की वैल्यू होती है बेटा, तो जेड की वैल्यू यहां पुट कर दो आप, इक्विवेलेंट मास बाय इक्विवेलेंट ई रिप्रेजेंट इक्विवेलेंट मास बाय 96550 इंटू क्यू कूलम्ब। और जो चार्ज होता है कूलाम में वो किस पे डिपेंड करता है, कितना करंट, आई रिप्रेजेंट करंट इन एम्पियर एंड टी इज द टाइम इन सेकेंड, तो क्यों की क्या वैल्यू पुट कर सकते हो आप, क्यों की वैल्यू हो जाएगी आई इंटू टी बाय 96550। ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, ई इज इक्विवेलेंट मास, ई किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास है, वो कैसे निकालते हैं, अटोमिक मास बाय वैलेंसी, ए रिप्रेजेंट अटोमिक मास, एन रिप्रेजेंट वैलेंसी ऑफ एनी एलिमेंट। तो ई की क्या वैल्यू पुट करेंगे, वही की वैल्यू है, तो डब्ल्यू किसके इक्वल, ए बाय एन इंटू 1 फेराडे इंटू आई इंटू टी। तो ये एक फार्मूला हमने ड्राइव किया है जिसमें डब्ल्यू है वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, ए है किसी भी एलिमेंट का अटोमिक मास, आई है जो कि इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे हो आप कितना एम्पियर करंट है, टी है टाइम सेकंड्स में, और एन है किसी भी सब्सटेंस या किसी एलिमेंट की वैलेंसी। तो इन पैरामीटर्स को यूज़ करके हम किसी एलिमेंट की वैलेंसी निकाल सकते हैं, किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास निकाल सकते हैं, और कितना वेट कैथोड या एनोड पे डिपॉजिट होता है वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने फेराडे के 2 लॉ डिस्कस किए हैं जिसमें हम 2 फार्मूले यूज़ किए हैं, W इज इक्वल टू जेड इंटू क्यू, ये तो फर्स्ट लॉ था हमारा। सेकंड लॉ क्या कहता है कि वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड व्हेन डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो उनका जो वेट डिपॉजिट होगा वो उनके इक्विवेलेंट मास पे डिपेंड करता है। तो ये 2 फार्मूले हमने पढ़े हैं, उससे रिलेटेड कुछ एक फार्मूला, ये दोनों को मिला के हमने ये फार्मूला ड्राइव किया। तो इसके आप इस या 2 ये फार्मूले जो यूज़ किए हैं इनसे रिलेटेड आपके सारे न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएंगे। तो ये हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस से रिलेटेड जो फेराडे का लॉ थे वो टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। थैंक यू स्टूडेंट्स।